तो भाई वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि सबका सवाल था भाई, कैसे हुआ, नहीं हुआ, कहाँ हुआ, क्या हो गया। तो बस उसके लिए तो यही बोलेंगे कि भाई अनिश्चितताओं का खेल है भाई ज़िंदगी। वो कभी हम कल चल रहे थे, आज बोल रहे थे, और वीडियो में ही बोलते थे भाई कि हम सेफ ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा करते भी हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन अगला जब सॉरी गाली निकलता है, अगला जब निकल जाएगा चूतिया, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। हम प्रॉपर सेफ चल रहे हैं तो बात है, देख मतलब कि उतना लंबा खींचे नहीं है आप लोगों है कहाँ कैसे हुआ, तो हम पूरा अच्छा से डिटेल में आप लोगों को बताते हैं क्या हुआ। थोड़ा सा चेहरा मोहरा अलग रहा क्योंकि भाई खून बहुत ज़्यादा बह गया था मेरा, इसीलिए हल्का। तो हुआ यूँ कि संडे का हम लोग का प्लान बना था श्रृंगेरी से जाने का। हम और कुछ दोस्त थे, चार पाँच छः दोस्त थे और चार गाड़ी था, तो चार और सब पे वही लगभग, किसी पे एक किसी पे दो दो लोडिंग थे। हम लोग जा रहे थे तो मान लीजिए हमको 1 किलोमीटर हम पहुंचने ही वाले थे श्रृंगेरी से, वहाँ पे मतलब थोड़ा ठंडा पानी आता है तो हम लोग जाते रहते हैं हमेशा घूमने के लिए, तो वहाँ भी सोचे जाते हैं संडे को। तो जा ही रहे थे, 1 किलोमीटर मात्र हमको मुश्किल से लगता है 1 किलोमीटर बचा होगा। और जैसे कि देखिए ये रोड है, ठीक है रुको 1 मिनट पकड़ना, वीडियो ऐसे ही पकड़ना, हम बताते हैं थोड़ा डिटेल में बता देंगे। यहीं पकड़ो, जैसे कि मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये मतलब ये रोड, दर्द है थोड़ा, ये रोड है ठीक है, पतला रोड था और इधर से हम चलते हैं ना, तो हमको उधर जाना था, तो हम लोग तो राइट साइड इधर ही चल रहे थे, फिसल रहा है, इधर से जा रहे थे हम लोग और इधर से एक टोटो आ रहा था, इधर हम जा रहे थे इधर से एक टोटो आ रहा था, और टोटो के ही पीछे से एक था स्प्लेंडर बाइक वाला, फुल पिए हुए उधर से वो आ रहा था, नहा के वो नहा चुका था आ रहा था, फुल पिए हुए टोटो के पीछे, हम इधर से थे, पतला रोड था दिखता नहीं है उसको भी अंदाजा, उसको ऐसे दिखता भी नहीं क्योंकि नशा में था पूरा धुत। तो बस यही, हम जाते जाते हम 30-40 में थे, ज़्यादा नहीं, वो था 90-80 के स्पीड में, NS 200 था मेरे पास, तब भी हम गाड़ी से भाई जानते हो पिकअप कितना है उसका, तभी हम उसमें धीरे चल रहे थे। तो यही चीज़ था कि जा रहे थे, जब टोटो करीब आया, वो भी करीब आया, अब वो टोटो को ओवरटेक करना चाहो, ओवरटेक जैसे कि हम तो इस साइड हैं, ईवी साइड है, जैसे ओवरटेक किया सीधा एकदम क्रैश, बहुत गंदा क्रैश जो कहता है, अब आपको हम बता देते हैं कैसा क्रैश। वो डायरेक्ट लगा जो होता है ना वो बाइक का लेग गार्ड समझते होंगे, जो पैर बचाता है, वही मेरा पैर लेके डूब गया, उसका गाड़ी का लेग गार्ड, स्प्लेंडर का तो लेग गार्ड थोड़ा रहता है जानते ही हैं, निकला हुआ, और थोड़ा वो मॉडिफाइड भी था गाड़ी, कुछ कुछ लगा हुआ था नुकीला नुकीला, तो वो टकराया मेरे, मान ली ये पैर में तो हम नहीं झुक पाएंगे, ये पैर में बताते हैं, यहाँ पे टकराया, इस पे ठेहुना पे नहीं, इस पे टकराया, ये तो फ्रैक्चर हो गया मेरा, ये इस पैर का यहाँ फ्रैक्चर हो गया, और जो अटा फुट रेस्ट उसका जहाँ पैर रखता है इंसान, जब हम लोग ये पैर जो रखते हैं बाइक चलाने के लिए, वो वाला मेरे इसमें इसमें गथा पहले मतलब घुस गया अंदर, और एक घुस गया आपको यहाँ पे ये जगह पे घुस गया, और ये जगह पे जैसे घुसा दोनों एकदम फाड़ते हुए हमको निकल गया डायरेक्ट, आगे जाके थोड़ा गिर गया, वो भी गिर गया और हम तो फेंका ही गए भाई, गड्ढा था, गड्ढा में ही हम गिर गए, कांटा वगैरह गिर गया था। उस समय तो हमको पता नहीं चला कि मतलब मेरे साथ हुआ क्या अचानक से, मतलब रिएक्शन टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं कि हम कुछ रिएक्शन ले सकें, तो हम जैसे पैर देखे मेरे तो पहले हालत ख़राब हो गया पैर देख के, हमको हमको दो ही चोट दिखा, जहाँ टूटा था वो हमको नहीं पता चला, हमको दो चोट दिखा, हम सोचते कि साला उठते हैं जाकर उसको देखते हैं क्या था नहीं था, उसको हिसाब किया जाएगा। उठने का जैसे कोशिश किए भाई, जैसे कोशिश किए हम एकदम पीठ के भार सीधा चार चितांग एकदम लेट गए, अब पीठ में भी चोट लग गया फिर हमको, अब हम समझ गए कि भाई मेरा पैर चला गया, अब हम पैर पकड़ के रोने लगे भाई, मम्मी पापा मेरा करियर वीडियो सब चीज़ आगे पीछे सब हम देखने लगे, अपना आने वाला कल क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई ये जवानी में ये उम्र पैर टूटने का नहीं है भाई, 24 साल का लड़का माँ बाप एक बोझ बन जाएगा, अभी कुछ महीनों के लिए ठीक हो जाएंगे, कुछ महीनों के लिए लेकिन बोझ बन जाएगा, बहुत दिक्कत और
शर्म का बात था मेरे लिए। खुद तो सेफ थे हम, कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन अगला के कारण हो गया। और तो और क्या हुआ, गिर गए। मेरा दोस्त लोग तो फिर हमको उठाने में लग गया, क्योंकि हम बोल दिए भाई कि मेरा पैर नहीं बचा, तो सब पूरा चिल्लाने लगा देख के, हम भी रोने लगे थे। अब हमको इस बात का गुस्सा है कि भाई वो स्प्लेंडर आगे गिरा, ठीक है, उसका दोस्त जो पीछे बैठा था, वो लोग भी दो लोडिंग था, उसका दोस्त जो पीछे बैठा हुआ था उसको भी चोट लगा, लेकिन आगे वाला जो पिया हुआ था फल, वो क्या किया, अपना गिरा हुआ दोस्त को चोट को भी छोड़ के वो भाई भाग गया, जंगल था, जंगल के अंदर घुस गया, और किधर किधर निकल गया होगा, उसको आइडिया होगा तो निकल गया अपना। तो गुस्सा हमको इस बात का भाई, उसको हमको देखना चाहिए था, एक बार आके देखना चाहिए था कि भाई कैसा है, उठाना चाहिए था इंसानियत के नाते। चलो गलती हो गया तुमसे, तुम पिए हुए था, एक तो पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए पहली बात, लेकिन तुम चलाया, ठीक है, लेकिन कम से कम देख लेता भाई, तो हमको कोतना नहीं था, हम पैसा भी नहीं मांगते, ऐसा नहीं कि पैसा तुमसे रोक के मांगते, हाँ एक दो थप्पड़ बज रहा था, लेकिन चले जाते फिर तुम, अगर पूछ लेते तो हम लोग को भी अच्छा लगता, पूछा आके, गलती हो गया, लेकिन तुम भाग गया भाई। तो अब इंस्टाग्राम पर जैसा कि हम डाले थे, यहाँ भी हम बोल रहे हैं, उठ जाएंगे जिस दिन भाई, जैसे भागे थे तुम वैसे नहीं भाग पाओगे, बस इतने बोलते हुए जल्दी ठीक होंगे हम, लगभग 1 से 2 महीना में हम ठीक होंगे भाई। आप लोग के लिए बहुत सारा प्यार हमको मिला अपने इंस्टाग्राम, बहुत सारा दोस्त जो मेरे फॉलोअर नहीं कहिए, भाई हैं और बहन हैं, सब हैं मेरे, सबका प्यार मिला, सबका साथ, और अभी थोड़ा रिलैक्स है, ये पैर ऐसे हल्का सा हिलाते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा रिलैक्स है पैर में अभी, वही सबका प्यार बहुत मिला भाई, बहुत सारा विशेष आए, वेल विशेष आए, तो अच्छा हो जाएंगे जल्दी से हम, और फिर से आपको वीडियो अच्छा अच्छा आएगा यूट्यूब पे भी और इस पे भी, तो याद रखिएगा भाई को अपना, फिर मिलते हैं जल्दी, और उस लड़का का हम स्टोरी लगाएंगे जाई ज़रूर है, तुम अगर देख भी रहे हो तो तुम समझ जाओ भाई, पूछना चाहिए था। इसी बोलते हुए अपने बात को हम रोकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, बीच बीच में हम मुलाकात होती रहेगी, धन्यवाद।